हो गया चालू। मैं रीना शर्मा होम शेफ अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मैं सबसे पहले मनु सर का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है और दोबारा मुझे शो करने के लिए, लाइव कुकिंग करने के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए थैंक यू। और अमूल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे लाइव कुकिंग शो करने का मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जो मैं अपनी रेसिपी में आप सभी के सामने शेयर कर सकूँ, दिखा सकूँ अपनी रेसिपी। उसके लिए धन्यवाद अमूल का और मनु सर का, थैंक यू। आज हम बना रहे हैं कॉर्न ग्रेटेड हलवा। सॉरी, कॉर्न सैफ्रॉन हलवा, उसे अलग अलग नाम से किया जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बोला जाता है, ठीक है। हम जो आज इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये स्वीट कॉर्न है, ये अमेरिकन मक्का है। ऐसे तो ये देसी मक्का से बनता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका सीजन नहीं है, ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमने देसी जो अमूल सॉरी ये स्वीट कॉर्न जो आता है ना, उसका हमने बनाया है, क्योंकि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसका हम हलवा बना रहे हैं। बहुत इजी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है कि जो हर कोई बना सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप किसी भी टाइम एनी टाइम कभी भी इसको बना सकते हैं। ये अमेरिकन मक्का है, उसको मैंने ग्रेटेड किया है और ये इस तरीके का, देखिए आप देख सकते हैं आप। देसी मक्का में इतना लिक्विड, इतना जूस नहीं होता है, वो थोड़ा सा रूखापन उसमें ज़्यादा होता है एक्चुअली, ये इसमें लिक्विड ज़्यादा होता है। अगर आपको देसी मक्का मिले तो आप पहले देसी का ट्राई कीजिए, अगर नहीं मिलता तो ही आप अमेरिकन कीजिए। मैंने थोड़ा सा इसका पानी निकाल कर हल्का सा रोस्ट करके रखा है, क्योंकि एक्चुअली इसमें लिक्विड बहुत ज़्यादा होता है ना, इसके लिए हमने पहले से ही करके रखा है। इसमें हमने अमूल पाउडर, अमूल का यूज़ किया मिल्क पाउडर। मैंने ये ड्राई फ्रूट लिया हुआ है, ये मैंने किस्ता केसर को मैंने
दूध में और उसको भिगो कर रखा हुआ है। ये अमूल का दूध है, देख सकते हो आप, जो हम इसमें यूज़ करने वाले। ये ड्राई फ्रूट है मेरे सारे, और ये केसर है, और हमने कानी सिंह के लिए चांदी का व्रत लिया हुआ। और इसमें हम शुगर यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हम कंडेंस मिल्क यूज़ करने वाले हैं, देख सकते हो। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें अमूल घी यूज़ कर रहे हैं, आप देखिए मैं 2 टीस्पून अमूल घी यूज़ कर रही हूँ, अगर ज़रूरत लगी तो फिर हम कौन है किया। ये ऐसी ये रेसिपी ऐसे एक गांव से बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश की रेसिपी है। जब वहाँ बारिश के सीजन में ये देसी मक्का बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा उपयोग होता है। मैं बना रही हूँ सेफ्रॉन, हाँ कॉर्न सेफ्रॉन हलवा। सर सकते हो आप, इसका उपमा बना सकते हो आप, इसका मक्का, इसके आटे से आप मक्का की रोटी बना सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और हेल्दी भी रहती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसमें हम उनका दूध यूज़ करेंगे।
देख सकते हो मैंने इसमें दूध डाला है अमूल का। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे थोड़ा घी कम लग रहा है इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड करूंगी। मेरी रेसिपी में दोबारा रिपीट कर रही, कॉर्न सैफ्रन हलवा। आप देख सकते हैं रोस्ट हो जाता है, लेकिन इसमें एक्चुअली लिक्विड है, दूध की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको रोस्ट करने में इसमें टाइम लगता है। अभी सीजन नहीं है मक्का का, इसलिए हमने अभी अमेरिकन मक्का यूज़ किया है। किसी रेस्टोरेंट या किसी क्लासेस की नहीं है ये रेसिपी, मेरे अपनी मेरी फैमिली की और मेरे घर से अपनों की रेसिपी है। आप बना के ट्राई जरूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है खाने में।
सकते हो। मुझे केसर का फ्लेवर बहुत पसंद है इसलिए मैं केसर यूज़ कर रही हूँ, और हेल्दी भी है और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा इसलिए मैं केसर यूज़ कर रही। ऐसे तो मेरा बच्चा नहीं खाएगा लेकिन मैं इसीलिए अपने बच्चों को इस तरीके का खिलाऊँ। तो ऑप्शन है कि आप डालना चाहो तो ही डालना, दम नहीं अवॉइड कर सकते हो। केमिकल कलर यूज नहीं किया है इसलिए हमने केसर का यूज किया है। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप इजीली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपके यहाँ स्वीट कॉर्न अगर नहीं मिलता है तो आप इसको फ्रोजन जो आता है ना स्वीट कॉर्न मक्का, आप उसको भी यूज करके ग्राइंड करके भी बना सकते हो। मैंने ग्रेटेड करके इसको बनाया है। आजकल तो 12 महीने स्वीट कॉर्न मिलता है, हर जगह अवेलेबल होता है, लेकिन अगर इसको आप देसी मक्का से अगर बनाएंगे तो दो गुना उसका स्वाद निकल के आएगा। आप देख सकते हो, देख लीजिए कितना प्यारा कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें शुगर यूज नहीं कर रहे हैं हम, अमूल का कंडेंस मिल्क यूज कर रहे हैं। आप देख लीजिए हमने 1 टीस्पून डाला है क्योंकि अमेरिकन मक्का ऑलरेडी अपने आप में वो बहुत स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है, और देसी मक्का स्वीट नहीं होता है इसलिए हमने थोड़ा शुगर कम डाला है। शुगर की वजह से हमने कंडेंस मिल्क डाला है, वो भी 1 टीस्पून डाला है, और इसमें हम अमूल पाउडर मिल्क पाउडर ये डालने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी वो भी स्वीट होता है। जो खोया हम लोग इसमें ऐसे खोया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम खोया इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें कि आजकल आपने देखा होगा कि टीवी में न्यूज़ में हर जगह जो डुप्लीकेट मावा सुनने में आता है कि आज वहाँ डुप्लीकेट मावा मिल रहा है, आज ये मिलावट आ रही है, सब कुछ इतना मिल रहा है, तो हम अपनी फैमिली को कुछ अच्छा ही खिलाना चाहते हैं और हमें अमूल पर ट्रस्ट है, विश्वास है, भरोसा है कि वो हमें अच्छा प्रोडक्ट देंगे, इसीलिए हमने अमूल का प्रोडक्ट ही यूज़ किया है। और एक्चुअली इसको बाइंडिंग करने के लिए भी काम में आता है, और खोया का काम करेगा वो अल्टरनेटिव है।
बना सकते हैं इसको आप। इसकी तो बहुत सारी रेसिपी है, बहुत सारी। देख सकते हैं आप, देखिए आप, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिल्क पाउडर मैंने 4 टीस्पून यूज किया है, ये वाला नॉर्मली कोई भी। आपकी आपको आपके ऊपर डिपेंड कि आप कितना डालना सकते हैं। मैंने इसको जो ये लिया है, मैंने 1 बाउल लिया है स्वीट कॉर्न। देखो आपको देखने में मन हो जाएगा कि नहीं मुझे अभी ही खाना है। देख सकते हो मेरा हलवा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर यूज कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हो मेरा हलवा रेडी हो चुका है। हम इसमें अब ड्राई फ्रूट्स करेंगे। 1 टीस्पून बादाम, पिस्ता। इतना कलरफुल लग रहा है ना, यम्मी लग रहा है, खाने का मन कर रहा है। सेफ्रोन हलवा हमारा रेडी हो चुका है। देखिए आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको? अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं।
हमारा हलवा रेडी हो चुका है और ये हमने बनाई है चाय, जो हम स्वीट कॉर्न या देसी मक्का की जो रेसे हैं, ये बाल होते हैं ना, हम उसे फेंक देते हैं, वेस्ट करके हम समझते कि ये कुछ काम में नहीं आने वाले, लेकिन ये स्किन, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, हर चीज़ के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है। अगर हमें स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो आप या तो उसको उबाल कर इसको या तो सुखा दीजिए, और सुखाना नहीं है, सुखा के आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और अगर नहीं तो अगर फ्रेश इसको पानी में उबाल कर आप पी सकते हो, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, तो आप इसको पी सकते हैं। और ये मैंने चाय बनाई है इसके लिए, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, इसमें मैंने सिनेमन पाउडर डाला है, इसको मैंने पानी में बॉईल इसमें डाला है, इसको बॉईल किया है चाय जैसे बनाइए, और इसमें मैंने तुलसी और सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा मैंने शहद डाला है इसमें, और ये चाय बनाइए। ये बहुत बेनिफिट है हमारे लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। आप तो मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मनु सर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ट्राई करना, बहुत सिंपल रेसिपी, बहुत अच्छी, यूनिक है, आप एनी टाइम कभी भी बना सकते हो उसे अपनी फैमिली गेस्ट के लिए। तो कैसी लगी आपको सबको मेरी रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, और मुझे दोबारा अमूल में दोबारा देने के लिए, ये प्लेटफॉर्म पे मुझे करने के लिए, उसके लिए थैंक यू। ये इंदौर का किस, हाँ इंदौर में इसको किस भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में बोली जाता है, इंदौर में किस भी बोलते हैं, और उसको भुट्टा भी, भुट्टे का हलवा भी बोला जाता है, जो इंदौर में सराफा बाजार में ये रात के टाइम पे मार्केट में बहुत फेमस है, ये बहुत मतलब हर पे बहुत ज़्यादा पैमाने पर चलता है, ये इंदौर की मध्य प्रदेश की रेसिपी, आप बराबर सही बोल रहे हो। तो मैं आपको कैसी लगी रेसिपी, आई होप आपको सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और हैप्पी कुकिंग, बाय। ठीक बंद कर दो, बंद कर, बंद कर, बंद कर।